हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर जो हमारी जो सेकंड यूनिट है, मैंने आपको उसका फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगी। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले विभिन्न फंक्शंस को सूचीबद्ध कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको आपको बता दिया, आप नोट कर लीजिए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो परफॉर्म किए जाने वाले जो विभिन्न फंक्शंस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो इसका आंसर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले महत्वपूर्ण फंक्शंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है फाइल सिस्टम, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग, तीसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, फोर्थ है आपका सिस्टम मैनेजमेंट, फिफ्थ है आपका सिक्योरिटी और सिक्स्थ है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस को समझाइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस को निम्नलिखित भाषा में समझाया जा सकता है, किंतु उनमें मुख्य भाषा यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम पर क्रिया करने के लिए एक प्रकार का वातावरण बनाते हैं। यूजर्स प्रोग्राम का यह जिन्हें कुछ प्रकार की सर्विस प्रदान करता है, जो सर्विस है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे तक दी जाती है, वह अलग होती है, लेकिन हम केवल उनकी कॉमन क्लास को ही देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस देता है ताकि प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग आसानी से कर सके, और यह प्रोग्रामिंग को आसान बनाता है। प्रोग्राम क्रिया, तो सिस्टम को चाहिए कि वह प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर दे और फिर प्रोग्राम पर क्रिया करे। प्रोग्राम को अपनी क्रिया यानी कि अपना वर्क सही तरीके से या फिर कैसे भी पूरा समय में करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन जो प्रोग्राम क्रिया के लिए चालू होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कोई फाइल या डिवाइस हो सकती है। कुछ विशेष डिवाइस के लिए कुछ विशेष वस्तुएं दी जाती है, जैसे कि टेप ड्राइवर, सी आर टी स्क्रीन इत्यादि एक्सेट्रा। सुरक्षा और अच्छे कार्य के लिए यूजर्स कभी भी सीधे ऑपरेटिंग डिवाइस प्रोग्राम को नहीं देता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, तो फाइल प्रोग्राम पर निर्भर करती है कि जो प्रोग्राम है वह फाइल को रीड करेगा या राइट करेगा। प्रोग्राम फाइल के नाम को बनाता और पूरा करता है। तो कम्युनिकेशंस यानी कि इन सभी में किसी एक प्रोसेस को किसी दूसरे प्रोसेस के साथ अपनी सूचना बदलनी होती है, इसे कम्युनिकेशंस कहते हैं। यह कम्युनिकेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रोसेस के बीच में जहां वह एक ही सिस्टम पर वर्क कर रहे हो, दूसरा वहाँ जहाँ अलग अलग सिस्टम पर वर्क कर रहे हो, तो उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा ऐड किया जा सकता है। कम्युनिकेशन शेयर्ड मेमोरी द्वारा या फिर मैसेज पासिंग टेक्निक से होता है। इंफॉर्मेशन पैकेट में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस के बीच में होती है। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम सदैव सिस्टम को भूल से दूर करते हैं। सीपीयू मेमोरी ड्राइव जैसे कि जब पावर चली जाए तो कोई गलती आती है, ऑपरेटिंग डिवाइस जैसे कि नेटवर्क में कनेक्शन फेल हो जाए और यूज़र प्रोग्राम में गलती आ जाती है। प्रत्येक प्रकार की गलती के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सही तरीका ढूंढना होता है जो उसे वही सही करने देना चाहिए ताकि आसानी से वह काम कर सके। इन सब में एक और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह यूज़र की हेल्प नहीं करता है। सिस्टम मल्टीपल यूज़र के साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर पाता है। वह सारे रिसोर्स जो कि कंप्यूटर में जो होते हैं मल्टीपर्पर यूज़र्स को बांट देते हैं। रिसोर्सेस एलोकेशंस, जब सिस्टम में मल्टीपल यूज़र्स लॉगिन करते हैं या एक समय में मल्टीपल काम कर रहे हो, तब रिसोर्स प्रत्येक को अलग अलग दे दी जाती है और उसके बाद में कई अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो दी जाती है, जैसे कि सीपीयू साइकिल, मेन मेमोरी और फाइल स्टोरेज एक्सेट्रा, इन सब के अलग अलग कुछ विशेष एलोकेशन या लोकेशन कोड होते हैं और कुछ विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइसेस होते हैं। इनमें कुछ साधारण रिलीज कोड होते हैं
जो सीपीयू का अच्छा यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सीपीयू शेड्यूलिंग रूटीन है जो कि सीपीयू स्पीड को बताता है, जो कार्य क्रिया करता है और साथ ही जितने संख्या में रजिस्टर उपलब्ध है, जहाँ पर एक रूटीन जो कि टेप ड्राइव को किसी भी जॉब के लिए बना देता है, एक रूटीन दिखाता है कि टेप पहले यूज़ होगा, यदि वह खाली नहीं है तो उसे नए यूजर्स को दे देता है, दूसरा रूटीन उस टेबल को खाली करता है। अकाउंटिंग, हम उन सभी ट्रैक की लिस्ट रखते हैं जो कि कंप्यूटर्स रिसोर्स द्वारा लिए गए हैं, कितने लिए गए हैं, सभी वस्तुओं की लिस्ट रखनी पड़ती है, रिकॉर्ड यूज़ होते हैं अकाउंटिंग में, उन्हें इकट्ठा करके उनका जो डाटा होता है उनका यूज़ किया जाता है। प्रोटेक्शन, सूचना का मालिक सूचना को मल्टीपल यूज़र्स यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में रखता है, क्योंकि उसे प्रत्येक प्रकार के कंट्रोल की आवश्यकता होती है। जब कई अलग अलग प्रकार के प्रोसेस एक साथ कार्य करते हैं या क्रिया करते हैं, तो यह संभव नहीं हो पाता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ इंटरफेयर कर सकेगा या नहीं। तो प्रोटेक्शंस के द्वारा कोई भी गलत चीज़ नहीं हो सकती, अर्थात प्रोसेसिंग पर कंट्रोल होता है, जिनमें कोई भी गड़बड़ या एरर की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आगे है कि किसी भी सूचना को लेने के लिए पहले कंट्रोल देखना पड़ता है, साथ ही प्रोटेक्शन के लिए यह उचित है कि यदि प्रोटेक्शन दायरे में नहीं है तो कोई भी इसे ले सकता है। बाहरी यूजर्स ने अपने सिस्टम का सुरक्षित रखना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षा जो चालू होते ही सारे यूजर्स पर एक प्रतिबंध जाता है, एक पासवर्ड मिल जाता है ताकि जितनी उनकी लिमिट है वह उतना कार्य पूरा कर सके। मान लीजिए किसी प्रोसेस को केवल पढ़ने की आज्ञा है तो वह लिख नहीं सकता, यदि आगे देखे तो ऑपरेटिंग डिवाइस वह प्रोटेक्शन के दायरे में कभी कभी आ जाता है। सिस्टम प्रोटेक्टेड होता है तो कोई भी बाहर की वस्तुएं उसे ख़राब नहीं कर सकती है। तो आज के मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जितने भी परफॉर्म किए जाने वाले विभिन्न फंक्शंस थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिए। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विंडोज़ क्या है और CUI और GUI को समझाना है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।